कांग्रेस पार्टी ने 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच शहीदों को याद करने का कार्यक्रम बनाया है। जरा याद करो कुर्बानी के बैनर तले शहीदों को याद किया जाना है। शहीद हेमू कलानी जी हमारे भारतीय इतिहास के सबसे दूसरे कम उम्र के शहीद थे और सबसे सौभाग्य की बात है कि वो जहाँ से हमारे उल्लासनगर से ज़्यादा लोग आए थे जब इनिशियली बसा था सिंध प्रांत, वहाँ से थे, सिकुर से वो बिलोंग करते थे। और सबसे अहम बात यह है कि जब उनको फांसी पर चढ़ाया गया, जब उनके ऊपर ये ना जजमेंट पास करी गई फांसी की, तो उनको एक मौका दिया गया कि आप अपने साथियों का नाम दीजिए। अब उनके साथी में हिंदू, मुस्लिम, सिख और बाकी धर्मों के लोग भी थे, लेकिन वो बलिदानी बच्चा इतना ज़ोरदार था, वो युवक इतना ज़ोरदार था कि उसने न किसी का नाम लिया और अंग्रेज़ों के ऊपर थूकते हुए कहा कि मुझे शहीदी पसंद है लेकिन मैं अपने साथियों का नाम नहीं लूँगा। आज की युवा पीढ़ी भी इस राह पर चले, हम सब एकता के साथ में, हमको जिस तरीके से वहाँ पर सब लोगों ने आज़ादी दिलाई थी वैसे आज़ादी दिलानी है। एक और अहम बात, आजकल हम जवाहरलाल नेहरू जी के लिए बहुत ख़राब सुनते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि हमारा 26 जनवरी 1943 को जब इंडिपेंडेंस डे पहले मनाते थे हम वो दिन, तो उस दिन नेहरू जी ने उनको याद करते हुए कहा कि आगे की कोटि जो बच्चे आएंगे वो हेमू कलानी जी से इंस्पायर होके इस देश की आज़ादी का नया चैप्टर लिखेंगे, नया धड़ा लिखेंगे। उसके बाद में उनके घर में जाकर नेहरू जी सिकुर में हेमू कलानी जी के घर गए, उनको उनके माताजी से मिली और जब तक उनकी माताजी जीवंत रही तब तक कांग्रेस पार्टी के तरफ से उनको पेंशन जाता रहा। तो ऐसे शहीद हेमू कलानी जी को, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, अपनी जान दी, अपने प्राणों की आहुति दी, हम उनको याद करते हैं, सदैव याद करें, आज का बच्चा भी याद करे, आगे आने वाले युवक भी याद करे, और उसी क्रांतिकारी तरीके से चलते हुए हमें आगे भी अपना भारत देश को अच्छा रचना है। थैंक यू, धन्यवाद। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सूचना से हमारे सम्माननीय अध्यक्ष नानाभाऊ पटेल इनके आदेश से पूरे महाराष्ट्र में 1 से 15 अगस्त ऐसा व्यर्थ न हो बलिदान, ऐसा कार्यक्रम हमको जो आया है उसका उद्दिष्ट ऐसा है कि स्वतंत्र के जो लड़ाई थी, स्वतंत्र की जो इतिहास है, जो सच्चा इतिहास है, वो आने वाली पीढ़ी को पता चले। और इसके लिए पूरे 15 दिन हमको अलग अलग कार्यक्रम हम कर रहे हैं, जिसमें हमने अन्ना भाऊ साठे की जयंती अभी की, लोकमान्य तिलक के पुण्यतिथि अभी हमारा कार्यक्रम हुआ, और आज जो कार्यक्रम ये था कि शहर में कौन सा ऐसा मुख्य स्थान है जहाँ पे आज़ादी से कोई लड़ाई हुई, ऐसी कोई घटना हो या कोई ऐसे महापुरुष हो, तो हमारे पास, हमें भाग्यवान है कि हमारे उल्लासनगर में इतने बड़े महान क्रांतिकारी शहीद हेमू कलानी जी का यहाँ पर पुतला है। शहीद हेमू कलानी जी जिन्होंने महात्मा गांधी से इंस्पायर होके उनके क्विट इंडिया मोमेंट को ज्वाइन करके उम्र के 19वें साल में बलिदान दिया, वो सबसे कम उम्र के फांसी पे चढ़े हुए हमारे स्वतंत्र सेनानी है, तो ऐसे इनका पुतला यहाँ पे है। और ये इतिहास उल्लासनगर के जनता को भी पता चले, और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे सिंधी कम्युनिटी में एक इतने बड़े स्वतंत्र वीर है और भी है, लेकिन उसका ये लोगों तक पहुँचे, इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर जमे हैं, यहाँ पे हमने उनको श्रद्धांजलि दी है। और आने वाले दिनों में 15 अगस्त तक सातत्य पूरे उल्लासनगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से कार्यक्रम होने वाला है। हम लोग ने आपको वापस एक बार आपके चैनल से मदद बता दूँ कि हम लोग ने एक शॉर्ट वीडियो कंपटीशन भी रखी है, और उसके लिए भी हमको जब संपर्क करेंगे 15 अगस्त के पहले उनको बख्शीश देने वाले। 19 तारीख को अगस्त क्रांति का कार्यक्रम है, अगस्त क्रांति दिन का, और 15 अगस्त को भी फिर से बड़ा कार्यक्रम है, तो वापस एक बार हम लोग यहाँ पर आज़ादी के दिन के लिए आज सभी इधर आए हुए, तो हम लोग वापस से एक बार शहीद हेमू कलानी जी को यहाँ पे श्रद्धांजलि देते हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।